स्टार्ट होती है मेरी गर्म पानी से। मैं सबसे पहले गर्म पानी पीऊंगी। ये देखो गाइस कितनी स्वेलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं सो के उठी हूँ। पूरा फेस स्वेल हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है पूरे फेस पे, क्योंकि सो के उठो ना ऐसा पता चल जाता है कि हाँ स्वेलिंग हो रखी है। मतलब सुबह सुबह उठो तो ऐसा फेस ना मतलब फुला फुला सा होता है। वैसे ये देखो मेरी पोहा बन चुकी है, यहाँ पे पोहा रेडी है और इधर चाय भी बन चुका है। बस तो थोड़ा सा ये सब कुछ तो गाइस ये देखो मेरा पोहा रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है और मैंने पोहे में थोड़ा सा मिक्सचर भी मिक्स कर दिया है। तो नाउ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ ब्रेकफास्ट करके, तो मैंने सोचा कुछ आज स्किन केयर भी कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी टैनिंग भी हो गई है, तो वैसे मैं बाहर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सब कुछ घर का ही होगा और बिल्कुल ही किचन में मिलने वाला है, तो आप वो ईजीली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कर्ड और उसके साथ में है बेसन एंड हल्दी और कॉफ़ी पाउडर और यहाँ पे है लेमन। तो आप ये सारे एक साथ मिक्स कर सकते हैं और अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप उसके जगह पे रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ये आपको दिखाया जैसा कि मैंने पैक बना लिया है और इस टाइप को अभी मैं फेस पे पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ। मैं ब्रश के उसे लगाने वाली हूँ, तो चलिए अभी मैं फेस पैक लगा लेती हूँ पूरे फेस पे, फिर देखते हैं। मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है, अभी इसको सूखने के लिए थोड़ी देर रखती हूँ, फिर इसको वॉश कर लूँगी। और आप देखना इसको मतलब जितना हफ्ते में मतलब कि वीक में अगर दो तीन बार या डेली भी अगर कर सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि डेली अगर इसको लगाते हैं तो टैनिंग भी दूर होती है और काफ़ी अच्छा मतलब कि एक ग्लो सा भी आता है, क्योंकि घर पर भी रहो ना तो भी टैनिंग हो ही जाती है। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो लगाना स्टार्ट करते हैं, गर्मी आई गई है तो समर में थोड़ा सा मैं सूखने के लिए थोड़ा टाइम लेती हूँ, फिर आपसे फिर मिलती हूँ बैक टू वॉश। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यहाँ मैंने राजमा भिगो के रखे थे रात को, तो अभी बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, तो बॉयल हो जाएगा तो तड़का लगाने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं प्याज और मिर्ची और अदरक का टुकड़ा, नमक, हल्दी। एंड गाइज दिस इज़ माई लंच। ये है राजमा, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैंने खाया नहीं है। और ये राइस सैलेड कट किया है, खीरा है एंड अनियन भी है। तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी देखते रहो।
गाइस मुझे तो हाथ से ही खाना पसंद है, इसलिए मैं हाथ से ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं खाओ ना तो वो अच्छी वाली फील नहीं आती है खाना खाने का, इसलिए मैं हाथ से ही खा लेती हूँ। A few inches later. गाइस तो अभी लगी है मुझे भूख, मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने और कुछ थोड़ा बहुत तो ग्रॉसरी का सामान भी लेना है वो लूँगी, और थोड़ा सुपरमार्केट जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, कुछ पीती हूँ, फिर आती हूँ वापस। तो चलिए मेरे साथ चलिए, मैं जाती हूँ सुपरमार्केट। तो ले सो गाइज मैं रात को डिनर में सैंडविच खा रही हूँ क्योंकि मुझे सैंडविच ही खाने का मन कर रहा था, तो मैंने हेल्दी सैंडविच बनाया है, इसमें सब कुछ ऐड करके टोमेटो है एंड कैप्सिकम वगैरह सब कुछ ऐड करके, और यहाँ पे चटनी भी रखी है मेरे पास थी, ये शेजवान चटनी और ग्रीन वाली तो मैंने बना ली। एंड ये अभी मैं सुपरमार्केट गई थी तो मुझे ये जो बेसिल सीड ड्रिंक होता है ना, मैंने कभी ट्राई नहीं कराया वैसा, शॉप वाला घर पे बनाया हुआ पिया है, तो मैंने सोचा कि ये भी एक ले लेती हूँ, आज डिनर में ट्राई कर लूँगी। एंड तो मैंने ये जूस के साथ ड्रिंक के साथ सैंडविच खाऊंगी, तो अभी मैं सैंडविच एंजॉय करती हूँ। A few moments later. आफ्टर डिनर हमेशा मैं थोड़ा मूवी देखती हूँ, कभी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ या फिर बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ, एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर सो जाती हूँ। Many months later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। और ये जो ब्लॉग है मैं आज मतलब आज के दिन में ही शूट कर रही हूँ, जो अभी कर रही हूँ, और बाकी जो मेरा मतलब कि ये टाइटल आपने देखा ही होगा, मेरा फर्स्ट ब्लॉग, तो माई फर्स्ट ब्लॉग। और जब वीडियो स्टार्ट किया था मतलब कि ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हाँ मुझे ब्लॉगिंग करनी है, बट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बोलना है, एंड मतलब कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा क्या बोलना है वो तो दिमाग में होता ही नहीं था। तो जस्ट मैंने सोचा कि कुछ तो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बस मैंने वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे वीडियो के आगे बोलना क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे बोलना है, क्या क्या शूट करना है। तो मैंने पूरे दिन का ही वीडियो शूट तो कर लिया, थोड़ा 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 कैप्चर कर लिया था, लेकिन मतलब कि वेलकम तक नहीं बोला मैंने कि कैसे बोलना है, वो भी मैंने नहीं बोला था कि हाँ वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, बस मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था, चलो स्टार्ट कर देते। और अब तब से लेके आज तक मैंने वीडियो वो अपलोड ही नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार वीडियो तो अच्छी नहीं बनी है, कैसे अपलोड करूँ या ना करूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस माइंड में थे। फिर मुझे लगा कि यार वीडियो तो बन रखी है माय फर्स्ट ब्लॉग, तो क्यों ना एंड में उसको कंप्लीट करके अपलोड कर दिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि एंड करके मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग। बोलने भी नहीं आ रहा था कि मतलब क्या बोलना है, फिर भी मैंने बना के तो रखी थी, लेकिन अभी लास्ट एक दो दिन पहले ही मैं जस्ट सर्च कर रही थी तो मुझे दिखा कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग का वीडियो शूट करके तो मैंने रखा है लेकिन अपलोड नहीं किया है, तो ऐसा लगा कि चलो अपलोड कर दिया जाए, अब वक्त आ गया है। आगे भी वीडियोस बनती रहेंगी और नए नए वीडियोस लाती रहूंगी मैं तो, लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और ट्रेवल ब्लॉग जो भी जैसा भी जब बनता है तो बनाती रहती हूँ, डेली ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाती हूँ। सो जैसा भी है फर्स्ट ब्लॉग है तो अच्छा तो होगा ही क्योंकि आपकी मेहनत है उसमें। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कुछ उसमें गलतियां हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, क्या कमियां हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। मैं यहाँ पे एंड करूंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।